असंगठित मजदूरों की मांग को लेकर बीसी केयू एवं मायूमों का प्रदर्शन। निश्चितपुर ईस्ट बसुरिया 4 नंबर स्थित बिहार कोलेरी कामगार यूनियन के कार्यालय के समक्ष शनिवार को बिहार कोलेरी कामगार यूनियन और मार्क्सवादी युवा मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में बिजिसल प्रबंधन के विरोध में प्रदर्शन किया गया, जिसकी अध्यक्षता बिहार कोलेरी कामगार यूनियन के शाखा अध्यक्ष दुलाल चंद्र बौरी ने किया। मौके पर मार्क्सवादी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष पवन मातो ने कहा कि बिहार कोलेरी कामगार यूनियन और मार्क्सवादी युवा मोर्चा के साथ बीसीसीएल प्रबंधन के बीच वार्ता में प्रबंधन ने कोयला लोडिंग में 60% हैंड लोडिंग में कोयला देने का वादा किया था, लेकिन बीसीसीएल प्रबंधन 1 माह के बाद भी 60% कोयला देने की दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। आउटसोर्सिंग कंपनी में 60% कोयला हैंड लोडिंग में दिया जाना था और रेल रैक लोडिंग में भी बीसीसीएल प्रबंधन को 40% कोयला हैंड लोडिंग मैनुअल करना था, मगर बीसीसीएल प्रबंधन असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का हक मार रही है और स्थानीय 14 सरदारों के सैकड़ों मजदूरों को रोजगार से वंचित रख रही है, जिसके कारण असंगठित मजदूरों में आक्रोश व्याप्त है। पवन महतो ने बीसीसीएल प्रबंधन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बीसीसीएल प्रबंधन रेल रैक लोडिंग और आउटसोर्सिंग कंपनी क्षेत्र में कोयला उठाव में 60% मैनुअल हैंड लोडिंग के लिए कोयला नहीं देती है तो बीसीसीएल के रैक लोडिंग और आउटसोर्सिंग के उत्पादन का चक्का जाम कर दिया जाएगा। पवन महतो ने कड़े शब्दों में कहा कि बीसीसीएल प्रबंधन असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बर्दाश्त करने की क्षमता का परीक्षा ना ले। असंगठित मजदूर एक है और समय आने पर अपनी चट्टानी एकता से प्रबंधन को बता देगी कि असंगठित मजदूरों के साथ छल करने का नतीजा क्या होता। आज मामला यह है कि असंगठित मजदूर जो हमारा बिहार कोलेरी कामगार यूनियन से जुड़ा हुआ है, उनका आज बैठक था। 60-40 का जो कंडीशन था उस पर प्रबंधन जो है मुकर रहा है। 40% उनको डायरेक्ट रेक पर देना था और 60% असंगठित मजदूरों को देना था कोयला, लेकिन प्रबंधन से हम लोग 1 माह पूर्व हम लोगों ने हम शाखा अध्यक्ष दुलाल चंद्र बावरी, हमारे असंगठित मजदूर के नेता नंदकिशोर भुइया जी बैठ कर हम लोगों ने बात किया था। प्रबंधन ने कहा कि 15 दिन के अंदर हम लोडिंग पॉइंट पर हम कोयला जमा करेंगे और ऑफर निकालेंगे और ऑफर के बाद जो है यहाँ ट्रक लोडिंग का कार्य हम यथाशीघ्र यानी 15-20 दिन के अंदर हम चालू करेंगे, लेकिन आज 1 माह बीत गया, प्रबंधन की ओर से अभी तक उनकी कुंभकर्णी निंद्रा जागी नहीं है और अभी तक सो रही है। प्रबंधन को हम लोग जगाने के लिए असंगठित मजदूर मोर्चा के माध्यम से जो यहाँ के 14 सरदार हैं उनको लेकर हम लोग प्रबंधन का घेराव प्रदर्शन करेंगे। क्या मांगे हैं आप? मांगे हम लोग का है कि जो 60% जो कोयला देना है वो 60% कोयला जो है डंपिंग क्षेत्र बनाकर वहाँ कोयला जमा किया जाए और उसका ऑफर निकाला जाए, लेकिन प्रबंधन अभी तक इस पर कोई कार्य नहीं कर रही है, जिसके कारण हम लोग यहाँ असंगठित मजदूर पूरी तरह से आक्रोशित है और आने वाले समय प्रबंधन को हम लोग इसका जवाब देंगे और उन्हें बताएंगे कि असंगठित मजदूर के साथ अब छल करने का परिणाम क्या होगा। अगर प्रबंधन आप लोगों की मांग पूरी नहीं करती है तो क्या करें आगे? प्रबंधन अगर मांग हम लोग पूरी नहीं करती है तो असंगठित मजदूर जो हमारे जो मजदूर है हमारे जो सरदार है उन्हें लेकर हम लोग कुछ करेंगे, प्रबंधन का घेराव प्रदर्शन करेंगे, हो सके तो पूरा बीसीसीएल का चक्का जाम करेंगे इस बसुरिया क्षेत्र का, चाहे वो आउटसोर्सिंग हो, चाहे उसका डिस्पैच क्षेत्र हो, चाहे वो रेक हो, चाहे वो कोयला लोडिंग क्षेत्र हो, सारे क्षेत्रों को हम लोग बंद करेंगे और साथ ही बिहार के रेक जो मिल रहा है इस बसुरिया आपका रेक के माध्यम से जा रहा है उस रेक में भी भागीदारी यहाँ है, जबकि 25 बक्सा इस बसुरिया कोलेरी को मिलता है उस पर भी अनदेखा किया जा रहा है। प्रबंधन को हम लोगों ने चिट्ठी के माध्यम से सूचना भी दिया था, लेकिन प्रबंधन इस पर कोई वार्ता नहीं कर रहा, कोई पहल नहीं कर रहा, जिसके कारण हमारे इस बसुरिया कोलेरी क्षेत्र के मजदूर काफी आक्रोशित है और इसका परिणाम हम लोग आने वाले समय आने वाले वक्त उन्हें हम दिखाएंगे। क्या परिचय होगा कि बीसीसीएल प्रबंधक हम लोग का आश्वासन किया था कि हम 15-20 दिन के अंदर में लोकल सेल का 60% आप लोग को लोकल सेल में दिया जाएगा। आप ठीक कीजिए, वादा खिलाफी कर रहा है। हम लोग लोकल सेल का 14 सरदार को लेकर आज हम लोग बैठक किया और इनको डिमांड पत्र देंगे बीसीसीएल प्रबंधक को, अगर 15 दिन के अंदर में नहीं माना तो हम लोग जोरदार आंदोलन करेंगे। क्या परिचय हो गया आपको? हमारा नाम हुआ दुलाल चंद बावरी,
बिहार को लेकर कामगारों ने शाखा दे। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा प्रभु जी प्योर फूड। चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको।